इन दिनों इंटरनेट पर प्लैनेट एक्स या निबिरू से संबंधित वीडियोस काफी वायरल हो रहे हैं, जहां इनमें से कुछ वीडियोस लोगों को ये बता रहे हैं कि निबिरू पृथ्वी से टकराने वाला है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो ये बता रहे हैं कि इस ग्रह से एलियन आने वाले हैं, क्योंकि यह ग्रह पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। दोस्तों, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको प्लैनेट एक्स यानी कि निबिरू की असली सच्चाई विस्तार से बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसी बातें क्यों और कैसे शुरू हुए। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। जनवरी 2015 में कालटेक के वैज्ञानिक माइक ब्राउन ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि हमारे सौरमंडल में एक नया ग्रह हो सकता है। ये वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने 2005 में कुइपर बेल्ट की खोज करने के बाद उसमें मौजूद एक खगोलीय पिंड को एक ग्रह का दर्जा देने की मांग की थी। उनकी इस मांग ने इस बहस को जन्म दिया कि एक ग्रह की असली परिभाषा क्या है, जिसके बाद उस खगोलीय पिंड और प्लूटो दोनों को ग्रह के वर्ग से बाहर कर दिया गया। इस बात से वो इतने निराश हुए कि उन्होंने हाउ आई किल्ड प्लूटो नाम की एक पुस्तक भी लिख डाली। खैर, जिस इंसान ने इस सौर मंडल से उसका नौवा ग्रह छीना, उसने अपने साथी कॉन्स्टेंटीन बेटाइगिन के साथ मिलकर एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल के जरिए यह घोषणा की कि शायद हमारे सौर मंडल को उसका नौवा ग्रह वापस मिल गया है। उन्होंने दावा किया कि नेपच्यून की कक्षा से कम 13 ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनका ऑर्बिट सामान्य बिल्कुल नहीं है। इसके आधार पर उन्होंने अंदाजा लगाया कि कोई विशाल खगोलीय पिंड वहां मौजूद होगा जो उनके ऑर्बिट पर असर डाल रहा होगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने जो भी निष्कर्ष निकाले थे वो कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल के आधार पर थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उन्हें अंतरिक्ष में सच में कुछ मिल गया था। इसी कारण इसे हाइपोथेटिकल प्लैनेट यानी कि काल्पनिक ग्रह की श्रेणी में रखा गया और इसका नाम दिया गया प्लैनेट एक्स। यह नाम अस्थाई है और उस समय बदल दिया जाएगा जब सच में इसे ढूंढ लिया जाएगा। कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल के आधार पर उन्होंने अंदाजा लगाया कि प्लैनेट एक्स मास में पृथ्वी से 10 गुना बड़ा होगा। यह एक बर्फीला ग्रह होगा और सूर्य से इसकी औसतन दूरी 56 बिलियन मील होगी, यानी कि सूर्य और नेपच्यून के बीच की दूरी का लगभग 20 गुना। अलग शब्दों में समझाऊं तो नासा का न्यू होराइजन प्रोब, जिसे प्लूटो के पास पहुंचने में 9 साल लगे, उसे प्लूटो से प्लैनेट एक्स जाने में 54 साल लगेंगे। यह कहा गया कि प्लैनेट एक्स इतनी दूर है कि सूर्य का चक्कर लगाने में उसे 10,000 साल से 20,000 साल का समय लगेगा, यानी कि जब उस ग्रह पर एक साल गुजरेगा पृथ्वी पर कई सदियां बीत चुकी होंगी। यह भी कहा गया कि पहले यह ग्रह इतनी दूर नहीं था, पर बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह दूर भटक गया। सुनने में यह सब कुछ काफी रोमांचकारी है, पर दुर्भाग्य से हमें असल में ऐसा कोई ग्रह अभी तक नहीं मिला है। कीपर बेल्ट के जिन खगोलीय पिंडों के असामान्य व्यवहार के आधार पर प्लैनेट एक्स के मौजूद होने की बात शुरू हुई थी, मुख्य धारा के वैज्ञानिक उसे इल्यूजन यानी कि एक भ्रम से ज़्यादा कुछ नहीं मानते। इस पर तर्क देते हुए वो कहते हैं कि शुरू में गलत डेटा के कारण कई वैज्ञानिक नेपच्यून के व्यवहार को भी असामान्य मान रहे थे, पर बाद में पता चला कि ऐसा कुछ था ही नहीं। इसका मतलब प्लैनेट एक्स या निबिरू जैसा कोई ग्रह असल में अब तक नहीं मिला है। चलिए अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर।
यानी कि क्या ये पृथ्वी से टकराने वाला है, या फिर क्या एलियंस इससे आने वाले हैं, या फिर क्या ये पृथ्वी के नज़दीक से गुजरने वाला है। इन सभी सवालों का एक सीधा सा उत्तर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जब ऐसा कोई ग्रह असल में है ही नहीं, तो इसके टकराने की बात करना ही बेवकूफ़ी है। एक पल को अगर मान भी लें कि ये असल में मौजूद है और पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, तथा इसी साल यह टकराने वाला है, तो यह हमें आसमान में खुली आंखों से दिख रहा होता। चूँकि ऐसा नहीं है, निबिरू के पृथ्वी से टकराने या इस ग्रह से एलियन के आने की खबर झूठी है। हालांकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के बाहर भी बुद्धिमान प्राणी रहते हैं, पर ये निबिरू से आने वाले हैं और वो भी इस साल, ऐसा मैं नहीं मानता। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इन खबरों का आधार क्या है। सबसे पहले निबिरू का जिक्र जेचारिन सिचिन ने अपनी पुस्तक द 12th प्लैनेट में किया, जो 1976 में प्रकाशित हुई थी। उनका दावा था कि उन्होंने सुमेरियंस के पुराने क्ले टैबलेट्स पर लिखी लिपि को समझ लिया है। उन्होंने बताया कि निबिरू सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद टियामाट ग्रह से टकराया, जिसके कारण पृथ्वी और एस्टेरॉयड बेल्ट का निर्माण हुआ। उनका मानना था कि निबिरू ग्रह में अति विकसित सभ्यता निवास करती है, जिसका नाम अनुनाकी है। जब उनके ग्रह का वातावरण खराब होने लगा, वो पृथ्वी पर सोने की तलाश में आए, क्योंकि सोना उनके वातावरण को फिर से ठीक कर सकता था। चूँकि अफ्रीका में सोना सबसे ज़्यादा था, वो सबसे पहले वहीं गए। कई महीनों तक उन्होंने खुद और अपनी मशीनों के जरिए माइनिंग की, पर बाद में उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें मजदूरों की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने अपने डीएनए को पृथ्वी के बंदरों से मिलाकर होमो सेपियंस यानी कि आज के मानवों का निर्माण किया। जेचारिन सिचिन का मानना था कि निबिरू हर 3600 सालों में पृथ्वी के पास से गुजरता है, और जब यह पृथ्वी के पास आता है, अनुनाकी पृथ्वी पर आते हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, पर 1995 में नैन्सी लिएडर नाम की महिला सामने आई और यह कहकर सनसनी फैला दी कि एलियंस ने उसके दिमाग में एक कम्युनिकेशन डिवाइस डाल दिया है, जिससे वो उनसे बात कर सकती है। उसने बताया कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट प्लैनेट एक्स पृथ्वी के पास से गुजरेगा, जिसके कारण पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। हालांकि उसका दावा गलत साबित हुआ, क्योंकि उसके अनुसार ऐसा 27 मई 2003 को होने वाला था, जो कि नहीं हुआ। बाद में उसने अपनी एक वेबसाइट बनाई, जिसके कारण उसके काफ़ी फॉलोअर्स बने। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जब उस समय भी कुछ नहीं हुआ, तो नैन्सी ने कहा कि 20 अक्टूबर 2014 को दुनिया के बड़े नेता यह घोषणा करने वाले हैं कि प्लैनेट एक्स पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, पर इस बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस साल जो चर्चा का कारण है, वो है डेविड मीड की किताब प्लैनेट एक्स द 2017 अराइवल। इस किताब में बताया गया है कि अक्टूबर 5, 2017 को प्लैनेट एक्स यानी कि निबिरू पृथ्वी के नज़दीक होगा, जिसके कारण सुनामी और भूकंप जैसी घटनाएं होने लगेंगी। हालांकि डेविड मीड के अलावा भी कई और लोग हैं जो कि मानते हैं कि ऐसा होने वाला है। उनका कहना है कि नासा और प्रमुख देश इसके बारे में जानते हैं और इससे बचने के लिए अंडरग्राउंड बेस तैयार कर रहे हैं। इनकी थ्योरी के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो यह है कि प्लैनेट एक्स का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। इतनी विशाल वस्तु
जो कि आने वाले 6-7 महीनों में अगर सच में गुजरने वाली होती तो हमें खुली आंखों से आसमान में नजर आ जाती, पर अभी तक हमारे टेलीस्कोप्स भी इसे देख नहीं सके हैं। ऐसे में इनकी थ्योरी मनगढ़ंत ही लगती है। दोस्तों, एक कहावत है कि किसी को मूर्ख बनाना आसान है, पर एक मूर्ख को यह समझाना कि अब तक वह मूर्ख बनता आ रहा था काफी मुश्किल है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूं कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब के बगल में जो घंटा है उस पर क्लिक करना ना भूलें। अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और दिलचस्प एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सबा खैर।